नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रीनक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर में छोटे प्लांटर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत और देखने में भी अच्छे लगेंगे। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सबसे पहले आपको अपने घर में जो यूज़ की हुई बोतल वगैरह होगी, शैम्पू और टॉनिक की, कोल्ड ड्रिंक की, उसको आपको इकट्ठा कर लेना है और उसको जो है कुछ नया लुक देना है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो ये देखिए, मैंने जो है कुछ टॉनिक की शीशी, शैम्पू की शीशी सब इकट्ठा किया हुआ है। उसमें से मैं अलग कर रहा हूँ सब साइज अलग अलग, और मैं आपको छोटे प्लांटर बनाकर दिखाऊंगा जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप उसको कलर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो जैसे ही जैसे प्लांट बड़ा होगा वो अपने आप उसको कवर करता चला जाएगा, ढकता चला जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो है सबसे पहले इन शीशियों को इकट्ठा किया और इसमें जो है सभी प्रकार की शीशियाँ हैं इसमें, तो मैंने जो है ये बड़ी शीशियों को लिया मैंने, जो करीब 500 ml के आसपास हैं, और इसको सेम साइज़ में मैं इसको कटिंग कर लूँगा। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्लास्टिक के शीशे को काटने के लिए किसी नाइफ का यूज़ कर सकते हैं, गर्म करके आप उसको काट सकते हैं या आरी ब्लेड की मदद से काट सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा सूटेबल लगे। ये देखिए, मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से धीरे धीरे कटिंग करूँगा इसको, बहुत ही आराम से आपको काटना है। दोस्तों, हड़बड़ी या जल्दी मत मचाइएगा, नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने यूज़ की हुई बोतल शीशी को किस तरह का लुक देना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको काटना है, कटिंग करना है और छोटे बड़े प्लांटर को आपको बनाना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको काटना होगा, ज़्यादा हड़बड़ी मत करिएगा, नहीं तो कटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी फिर शीशी वगैरह। स्लोली स्लोली आपको काटना है, आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आपको इसकी जो है प्लास्टिक की महक थोड़ी अजीब लग रही हो तो आप मास्क बांध सकते हैं, नहीं तो आप फैन चला लीजिए और वहाँ काटिए, तो आपको ये महक नहीं लगेगी शीशी की। जी हाँ, प्लास्टिक बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्लोली ये देखिए, मैंने एकदम साइज में काटा है और इसी के साइज से मैं सभी शीशी को कटिंग कर लूँगा। बहुत ही बढ़िया ये चल रहा है। धीरे धीरे आपको जो है ऊपर के कॉलर को सोल्डिंग आयरन की मदद से फ्लैट कर लेना है, जिससे उसमें बावरी ना रहे, नहीं पेड़ पौधे कटिंग लगाएंगे तो कट सकते हैं। और इस तरह से देखिए, धीरे धीरे आपको कटिंग करते रहना है, ज़्यादा आपको हड़बड़ी मन नहीं मचानी है। स्लोली स्लोली ये चल जाएगा। दोस्तों, इस तरह के शीशी में आप छोटी कटिंग लगा सकते हैं पानी भर के। ये देखिए, मैंने इसको भी कटिंग किया था, ये पानी की बड़ी बोतल है और मैं इसको जो नया रूप देना चाह रहा हूँ कुछ, ये देखिए मैंने नया रूप दिया है,
आराम से इसको आप जो है हैंगिंग बास्केट की तरह यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल पॉट की तरह फर्स्ट क्लास। ये देखिए ये शैम्पू की बोतल है, मैं इसको पहले निशान लगा लूँगा। सबसे पहले इस तरह से आप निशान लगाएं। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं करते हैं और आपकी जो आर्ट बढ़िया होगी तो आप डायरेक्ट फेयर कर सकते हैं निशान लगा के, रफ नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आप को अंदाज़ नहीं है तो आप पहले उसको जो है पूरी ओवर लाइन खींच लीजिए। इस तरह से मैंने खींचा है इसको और ये सोल्डिंग आयरन की मदद से मैं इसको जो धीरे धीरे काट रहा हूँ। और ये फर्स्ट क्लास, ये देखिए कटिंग हो गई। मैं इसको जो है ऐसा रूप देना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों आप भी दे सकते हैं। तो इसके बॉटम पे मैं इसे साइज से थोड़ा 19 निशान लगाऊंगा। ये देखिए इस तरह से आप भी लगाइए निशान, बहुत ही प्यारा प्लांटर बनेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही फर्स्ट क्लास। ये देखिए मैंने राउंड खींच लिया है इसमें। इस तरह से आप भी कटिंग करिए और अंदर से ढक्कन को, इसके कैप को बंद कर देना है आपको। बड़ी आराम से ये स्टैंड वाला प्लांटर बन जाएगा दोस्तों। आप अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये देखिए फर्स्ट क्लास पंच करके मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। और ये देखिए मैंने स्टैंड कटिंग करके लगा दिया, इसमें प्लांट भी लगा दिया हूँ छोटा। अब हमारे ऊपर है हम इसको कलर करें या ना करें। ये देखिए फर्स्ट क्लास इसका स्टैंड बन गया है। और इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए अब मैं इसको कलर कर दूंगा धीरे से। बहुत ही खूबसूरत देखिए प्लांटर बना है। इस तरह से आप दर्जनों प्लांटर बना के रख सकते हैं अपने गार्डन में, कलर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पेड़ से ढक जाएगा। तो इस तरह से आप भी अनगिनत प्लांटर बना सकते हैं और अपने बजट को बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं खर्चे से। ज़्यादा आपको जो है शुरू में ख़रीदारी नहीं करना है अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो। इसी तरह से प्लांटर बनाइए और अपने बगिया को सजाते रहें। ये देखिए मैंने रंग दिया है इसको, कितना खूबसूरत ये प्लांटर लग रहा है। ये देखिए मैंने अपने इसके झूले पर रख दिया है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से आप लोग भी बनाइए और गार्डन को सजाइए। गुड बाय।